हेलो, मैं श्रीधर मुंडा। मैं फिर से आपके बीच आर्ट क्लास में आया हूँ। अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कला संबंधित आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कला शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, है ना। कला शिक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट के बारे में। है ना, बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास में जैविक योगदान करती है। विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर इसके मूल्य को अनुभव किया गया है। शिक्षा के महत्व को हम निम्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है, कला सीखने की परिस्थितियाँ निर्मित करती है, है ना। सुनिए, कलात्मक योजनाओं में कलाकार अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। इसके विचार स्थिति का रूप लेते हैं। सभी ज्ञान मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से हृदय हो जाती है, जो बौद्धिक कल्पना, आलोचना, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों के माध्यम से विचारों में परिणत होता है और विचार संवेदनाओं से मिलकर भावों का रूप ग्रहण करते हैं। कलात्मक योजनाओं में भावनाएं ही सर्वाधिक प्रभावित होती है। बालक के वह विचार, तथ्य, आकृतियाँ जिनकी वह आवश्यकता अनुभव करता है, वह रचना को मूर्त रूप में देखने और अनुभव करने पर अधिक वास्तविक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कला सीखने को सजीव बनाती है। क्योंकि है ना, क्योंकि कला दृष्टि से संबंधित है, अतः यह सीखने की परिस्थिति के प्रत्येक स्तर को सजीव बनाती है। विचारों और भावनाओं को मूर्त रूप में देखकर बालक उनको अधिक समय तक मस्तिष्क में स्मरण रख सकता है और उनके अन्य वस्तुओं से संबंध को जानकर उनके वास्तविक महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ विचार जिनका बालक के लिए पहले कोई महत्व नहीं था, शीघ्र ही उसके सामने सजीव अनुभव बन जाते हैं और उसकी संपूर्ण मानसिक, आत्मिक और शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। तो ये था आपका, कला सीखने को सजीव बनाती है, है ना। तीसरा बिंदु है, कला सीखने के कार्य को संपन्न करती है, है ना। जैसे कि कला सीखने को गहन और सजीव बनाती है, इसी कारण यह समस्या समाधान की उच्च क्षमता भी उत्पन्न करती है। यह अनुभव की गई वस्तुओं को एक नया अर्थ, नवीन सत्य देती है और उनमें नए संबंध स्थापित करती है। कला मानसिक प्रक्रिया को अधिक अंतस्थ बनाती है और सीखने में उन भावनाओं को भी सम्मिलित करती है जो हम उन वस्तुओं के प्रति रखते हैं। यह भावात्मक प्रवृत्ति को जगाकर ज्ञात्मक प्रत्युत्तरों के लिए प्रेरित करती है और विभिन्न ज्ञान इंद्रियों में सहभागिता लगाती है, है ना। तभी हम लोग जो सुने, कला सीखने के कार्य को संपन्न कराती है, है ना। चौथा पॉइंट है, कला सीखने को संगठित करती है, है ना। कला अनुभव को संगठित करने वाला कारक है, अतः यह
सीखने की प्रक्रिया के लिए ठोस आधार है। जब तक एकाकी विचारों, अनुभवों और तथ्यों को एकत्रित करके कोई प्रारूप न दिया जाए, तब तक जो है वह हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं हो सकते। अतः शैक्षिक प्रक्रिया के लिए कला एक प्राकृतिक और तार्किक शक्ति है जो ज्ञान को बांधती है, उसे सजीव और मूर्त बनाती है, जिससे मस्तिष्क दरु भावनाओं और मानवीय कार्यों के भावात्मक उद्देश्य को भी ग्रहण कर सके, है ना। पांचवा पॉइंट है, कला नैसर्गिक क्षमता का विकास कराती है ना। पूर्ण परिपक्वता तक वृद्धि करने के लिए और अपनी शक्तियों के संपूर्ण विकास हेतु हमें अपनी नैसर्गिकता का पोषण करना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों और अनुभवों से समाज को अपना विशिष्ट योगदान कर सके। इसके लिए कला विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह मौलिक चिंतन, कार्य और मूल्यांकन पर बल देती है ना। छठा है, कला व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की अवस्था में बालक अनेक तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करता है। स्वतंत्र प्रकाशन को प्रोत्साहित करके कलात्मक अनुभव उन संवेगात्मक तनावों और भय को दूर करता है। यह बालक में आत्मविश्वास जगाता है और उसके संवेगात्मक सामंजस्य में सहायता करता है। जब बालक प्रकाशन में स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, तब उनका व्यक्ति परिपक्व होने के लिए स्वतंत्र होता है। उच्च स्तर के प्रशिक्षित कला विशेषज्ञ बालक के, है ना, स्वयंगात्मक सामंजस्य उसकी अनुभव की शक्ति और सौंदर्य अनुभूति की चेतना बढ़ा सकते हैं, है ना। सातवां पॉइंट है आपका, कला की शिक्षा द्वारा उपचार कार्य संभव है। ठीक है, कला द्वारा उपचार कार्य की संभावना को अभी तक सिद्ध नहीं किया जा सका है, किंतु कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि कला के निंदात्मक कार्य का चिकित्सा विज्ञान के लिए अधिक मूल्य है ना, और यह कला शिक्षण की योग्यता भी बढ़ाता है, किंतु यह त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि कलाकार की रचना को देखकर उसकी मानसिकता और व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाने में एक अनिश्चितता और भ्रम की भी संभावना है। इस कार्य के लिए उच्च प्रशिक्षित कलाविद तथा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग सात पॉइंट अभी तक हम बता चुके हैं, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, यानी कला शिक्षण का महत्व के बारे में। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो मैं अगला इसका भाग लेकर आऊँगा, इसलिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मिलता रहे, और बेल आइकन बटन को दबाएं, जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास चला जाएगा नोटिफिकेशन। इसलिए मेरा वीडियो को देखने के लिए सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो को पूर्ण रूप से देखा। धन्यवाद सभी को।